से जुड़े हुए, सुंदरीकरण से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्य हैं, उनका आज यहां लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अभी आपने यहां पर कुछ देर पहले देखा होगा, या आपको अगले चौराहे पर जाकर के आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहां संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। शहीद पथ से एयरपोर्ट के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। नगराम रेलवे फ्लाईओवर अरोबी का, उपरिगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और ऐसे ही कारगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण का कार्यक्रम शहीद पथ पर, G20 से संबंधित लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग को G20 नामकरण की पट्टिका, और वहां पर आपको अगर जाने का अवसर प्राप्त होगा तो वहां पर आपने देखा G20 के लोगो लगे हुए हैं। भगवान सूर्य की जो 7 किरणें हैं उनके प्रतीक स्वरूप 7 अश्व वहां पर आपके स्वागत के लिए खड़े होते हुए दिखाई देंगे, और सूर्य नमस्कार की मुद्रा में वे सभी मुद्राएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फसाड़ लाइटिंग की व्यवस्था पूरे आपको शहीद पथ पर देखने को मिलेंगी। इन सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। आज वे यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुनिया और देश से जुड़े हुए जितने भी निवेशक और उद्यमी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे, उन सब में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक उद्यम प्रदेश की ओर, एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है, और इसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का योगदान जिस सकारात्मक भाव के साथ हम सबको प्राप्त हुआ है, वो हम सबकी एक बड़ी ताकत थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, इन सभी का मार्गदर्शन और सहयोग, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर के एक टीम भाव के साथ जब कार्य किया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। और कल दुनिया देखेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना निवेश अनुकूल वातावरण है, वह वातावरण कल लखनऊ के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर एक दिन पूर्व लखनऊ से जुड़े हुए इन बड़े परियोजनाओं को किस रूप में आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, आप सायंकाल रात्रि में शहीद पथ पर या G20 के नाम पर शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ जो मार्ग जा रहा है, इन सब का अवलोकन करना, कितना सुंदर लखनऊ लग रहा है। लखनऊ की सुंदरता को बनाए रखना हर लखनऊ वासी का, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बननी चाहिए, और अगर किसी सिटी ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है तो अन्य में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम भी इसके अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करें। ये चीजें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगी। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा कानून और व्यवस्था के मामले में, उत्तर प्रदेश विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के मामले को लेकर के आज जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, आज एक्सप्रेस हाईवे के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है, अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से अगर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो जितनी भी रिलीजियस टूरिज्म है, उस धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी खेती किसानी ने, युवाओं ने जिस तेजी के साथ अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाया है, वह उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए लखनऊ की विकास की जिन परियोजनाओं को सरदेव अटल जी ने कभी सोचा था, आज से व्यावहारिक धरातल पर माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लखनऊ के अंदर हम सबको वे देखने को मिल रही है। और अभी जब कौशल किशोर जी बोल रहे थे
मुझे तो लगा जब वो किसान पद की चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि सारा किसान पद तो मेरे संसदीय क्षेत्र में बन रहा है, तो मैंने कहा कहीं वो अभी धरने की घोषणा न कर दें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया और आज ये सभी कार्य तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास जब जाएगा तो जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परियोजना बनेगी, शहीद पथ, अगर शहीद पथ नहीं बना होता आज से 20 वर्ष पहले लखनऊ के अंदर की ट्रैफिक की स्थिति क्या होती आप कल्पना कर सकते हैं। अगर किसान पथ आज जिस रूप में बन रही है, जब बनाया जा रहा था हर व्यक्ति सोचता था इसकी आवश्यकता क्या, लेकिन आज लखनऊ के अंदर ट्रैफिक के लोड को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक दूरगामी सोच, 50 वर्ष की एक दूरगामी सोच के साथ लखनऊ के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच के साथ दिया गया एक अनमोल उपहार है लखनऊ वासियों को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। आज उसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लखनऊ की कनेक्टिविटी, लखनऊ की गोरखपुर के साथ, लखनऊ की वाराणसी के साथ, लखनऊ की प्रयागराज के साथ, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे के साथ, लखनऊ की दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी जिस रूप में बेहतर हुई है, कहीं से भी आने वाले समय में आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो चुका है। पूर्वी छोर पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर किसी भी जनपद में आप मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। बुंदेलखंड में लखनऊ की दूरी 3 से 4 घंटे के अंदर किसी भी जनपद में आप आज के दिन पर तय कर सकते हैं। दिल्ली की दूरी आज के दिन पर आप मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर दिल्ली की दूरी लखनऊ से तय कर सकते हैं। एक बेहतर कनेक्टिविटी का परिणाम है। और लखनऊ का एयरपोर्ट तो देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के रूप में होने जा रहा है। इसका विस्तार जिस रूप में होने जा रहा है, विकास की इन परियोजनाओं में सकारात्मक योगदान एक नए युग की इसका सूत्रपात करता है। विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, लोगों की सोच में परिवर्तन लाता है। ये जितना निवेश का लाखों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान जो दुनिया के अंदर, देश के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए भटकते थे, उन्हें उनके गांव में, उनके जनपद में ही ये नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार प्रदान करने जा रही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप स्वरूप देने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी को हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। जिस सकारात्मक भाव के साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य वह कर रहे हैं, वो सचमुच यह सरदार अटल जी की भावनाओं के अनुरूप एक नए लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में प्रस्तुत करने का एक अभियान है। बहुत सारी परियोजनाएं अभी हैं जिन्हें हम बहुत शीघ्र एक भव्य कार्यक्रम में उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को आज की इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। और कल से लेकर के 15 तक लखनऊ में विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। लखनऊ का ये विशेष आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आ रहे हैं। आतिथ्य सेवा का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए, आपको प्राप्त हुआ है। बेहतरीन सुविधा, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए एक बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य हमारे स्तर पर होना चाहिए। इसके तत्काल बाद 10, 11, 12 तक ये कार्यक्रम चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और 12 को महामहिम राष्ट्रपति जी समापन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देंगे। 13, 14, 15 में G20 से संबंधित समिट भी लखनऊ में होने जा रही है। दुनिया के 20 प्रमुख देश जिनका दुनिया पर पूरा एकाधिकार है, जिसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगले 1 वर्ष तक करने जा रहा है, उसकी समिट लखनऊ में होने जा रही है। दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदेशवासियों के पास, लखनऊ वासियों के पास होगा। इसलिए आतिथ्य सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत आप सभी करेंगे, इस विश्वास के साथ हम लोग एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए।